देखो फाइनली वल्कन मोड का वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है बाय आरकेएमसी। देखो लास्ट टाइम वर्जन 1 पे मैंने तुम लोगों को कुछ पीपी मोड्स दिया था और नॉर्मल सिंगल वल्कन मोड भी दिया था, लेकिन पीपी वाला जो मोड्स था वो बहुत फोनों में क्रैश कर रहा था, इवन मेरे फोन में भी क्रैश मार रहा था। तो वर्जन 2 वल्कन मोड के अंदर बहुत सारे ग्लिचेस फिक्स करा गया है, साथ में काफी सारे पीपी मोड्स भी ऐड करा गया है। तुम लोग अगर वल्कन मोड के मोड पैक के साथ कोई भी छेड़खानी करते हो तो तुम्हारा मोड पैक जो ब्लैक स्क्रीन कर देता है, इसीलिए काफी सारे परफॉर्मेंस मोड के साथ पीपी मोड्स भी हम लोगों ने इस मोड पैक के अंदर डाल दिया है। और इस मोड पैक के अंदर काफी एफपीएस तुम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रेफर करना चाहता हूँ कि तुम मैक्सिमम फ्रेम को 100 के ऊपर मत करना, नहीं तो तुम्हारा फोन जो बहुत हीट हो जाएगा। अगर तुम इंस्टॉलिंग प्रोसेस में गलती कर देते हो तो काफी सारे चांसेस है कि तुम्हारा गेम ब्लैक स्क्रीन पे अटक जाए, इसीलिए तुम इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहना जिससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले तुम लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाक से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब के बटन पे दबा दो, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज है 10K सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज सब्सक्राइब हिम। तुम लोगों में से काफी सारे बंदे मुझसे ये पूछते हो कि भाई तुम्हारे फोन का स्पेक्स क्या है, तो मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ। तुम लोगों के सामने एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा जो कि मेरे फोन का स्पेक्स है। 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज एंड गाइस एंड्रॉइड 11 है मेरा, एंड सीपीयू की बात करें तो 1.8 कोर का ऑक्टा कोर का मेरा सीपीयू है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसेंट सीपीयू है मेरा। फिर भी अच्छे खासे एफपीएस मुझे देखने को मिल जाते हैं मेरे इस डिसेंट प्रोसेसर में। अगर बात करें कि इस मोड पैक का इंस्टॉलिंग का, उससे पहले अगर ये मोड पैक डालने के बाद तुम्हें कुछ ये वाला ग्लिच फेस करने को मिल रहा होगा तो इस चीज को फिक्स कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पोजाब लॉन्चर को फोर्स क्लोज कर देना है, एंड उसके बाद वीडियो रेंडरर पे जाके दो नीचे ऑप्शंस होंगे, इन दोनों ऑप्शंस को तुम्हें इनेबल से डिसेबल कर देना है। तो जैसे इसको डिसेबल करोगे तुम्हारा जो भद्दा सा ग्लिच हो रहा था वो फिक्स हो जाएगा। तो वही इंस्टॉलिंग प्रोसेस में तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को ये दिखाता हूँ कि इसमें एफपीएस कितने आ रहे हैं एंड इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद ही तुम लोग इस चीज को इंस्टॉल करके टेस्ट कर लेना। तो मैं गेम के होम स्क्रीन पे आ चुका हूं, एंड ऑप्शन एंड वीडियो सेटिंग्स की बात करें तो तुम लोग देख ही सकते हो हमारा वल्कन मोड का सिस्टम है और इसके अंदर तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो ऑप्शंस वगैरह। अगर बात करें मोड्स की तो तुम लोग देख सकते हो काफी सारे परफॉर्मेंस मोड के साथ एफपीएस बूस्ट मोड्स प्लस पीपी मोड्स भी इधर दिया हुआ है, साथ में वल्कन मोड पोजाब वाला ऑफिशियल मोड भी इधर डाला हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर बात करें वर्ल्ड क्रिएशन टाइम की तो फटाक से इधर एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूं एंड देखता हूं मुझे कितना टाइम लगता है नॉर्मल जाने में। मैं इस वीडियो को फास्ट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग भी पता चले कि इतना टाइम लगता है मेरे को रिकॉर्डिंग के साथ वर्ल्ड क्रिएट करने में। जो टोटल 30 से 40 सेकंड लगे वर्ल्ड को क्रिएट करने में और बहुत इजीली जो वर्ल्ड क्रिएट हो गया वो भी बहुत ही जल्दी। अगर बात करें कुछ परफॉर्मेंस की सेटिंग्स की, जैसे कि मैं अभी क्रिस्टल टेस्ट करने वाला हूँ यार, फिर TNT टेस्ट करते हैं, देखते कैसा FPS हमें उसमें देखने को मिलता है या फिर FPS कितना ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो मैं कर रहा हूँ TNT टेस्ट और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे FPS डाउन होने से रिलेटेड कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर FPS बूस्ट हो रहा है, मतलब समझ रही हो यार। मैं TNT इधर फोड़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे FPS ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब ये वल्कन मोड का ही कमाल है। देखना मैं इधर 2-4 TNT और फोड़ देता हूँ एंड ऊपर चलता हूँ एंड ये देखता हूँ कि FPS घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। भाई जैसा कि तुम देख सकती हो यार, FPS घटने की जगह और ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब यार TNT में फोड़ रहा हूँ लेकिन मुझे FPS बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो अभी एंड क्रिस्टल टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो अभी मैं एंड क्रिस्टल फोड़ रहा हूँ, एंड क्रिस्टल में भी वही स्मूथनेस मुझे फील हो रहा है, जैसे मैं क्रिस्टल फोड़ रहा हूँ वैसे मुझे FPS ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी FPS ड्रॉप भी हो जाता है 10-20, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा ड्रॉप होता है, लेकिन मुझे FPS कुछ ज्यादा ऐसे अच्छे देखने को मिल रहा है, समझ लिया। मतलब मैं क्रिस्टल फोड़ रहा हूँ, मुझे डाउन तो देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे FPS बूस्ट फील हो रहा है, मतलब समझ यार। क्रिस्टल फोड़ते हो तो मैं डाउन FPS लगता है लेकिन इसमें तो और ज्यादा बूस्ट हो रहा है भाई। अभी मैं अपने खुद के राइजर MC PP सर्वर में आ चुका हूँ, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिधर मैं रहता हूँ। मैं FPS को 20 क्यों करके रखा है, मैंने जल्दी से 90 कर लेता हूँ एंड भाई एक बंदे से PP करके देखता हूँ। भाई टीयर थ्री बंदे के साथ मैं PP करने वाला हूँ और मुझे PP भाई बिल्कुल भी नहीं आता, देख सकते हो यार। मैं टीयर थ्री बंदे को टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब टच तो कर पा रहा हूँ लेकिन कभी कभी, लेकिन वो बंदा उटक उटक के मार रहा है। बंदा भाई पोजाब लॉन्चर से खेलता है, अच्छा PP है भाई ये बंदा भी। भाई मैं इसके साथ नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता मैं इसको हरा पाऊंगा, चाहे मुझे जितना भी अच्छा स्मूथ की हुआ, मतलब भाई PP में नोबड़ा हूँ तो मैं कैसे इसको हरा दूंगा भाई, मर जा।
भाई कुछ नहीं होता है, मर जाते भाई, तुम लोग भी भाई देखते होंगे। लेकिन यार जितना पी पे प्रैक्टिस करोगे तुम उतने अच्छे से पी प्रो बन जाओगे। लेकिन यार तुम लोग राइजर एमसी पी सर्वर को ज्वाइन करना मत बोलना, क्योंकि मैं इसके अंदर पी करते रहता हूँ तुम लोगों के साथ। तो यार अभी बढ़ते हैं इंस्टॉलिंग प्रोसेस की ओर। भाई इंस्टॉलिंग प्रोसेस ईजी है, तुम्हें क्या ही दिखाऊँ। बस तुम्हें क्या करना है, जो मोड्स और कॉन्फ़िग होगा और ऑप्शन .txt होगा तुम्हें अपने .minecraft के अंदर जाकर ना पेश कर देना। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो मैं मुझे पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। लेकिन तुम लोग .minecraft के अंदर जाके मॉड एंड कॉन्फ़िग एंड ऑप्शन .txt को पेश कर देना है, ठीक है। तो तुम्हारा ये मॉड पैक लग जाएगा। एंड अगर फैब्रिक लोडर वर्जन का बात करो तो तुम्हें रखना है 0.16.5 वाला एक न्यू फैब्रिक लोडर वर्जन आया है, उसी पे तुम्हें लोगों को ये मोड पे रन करना है। तो नहीं तो तुम्हारा ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम आ सकता है। तो तुम्हें मैंने डिस्प्ले पे दिखा दिया कौन सा वर्जन है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आया तो तुम डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाना, मेरे ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर में टिकट बना लेना कि भाई मुझे ये में दिक्कत आ रहा है, तो मैं तुम्हारा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है भाई, डिस्कॉर्ड में आके बस टिकट बना देना, मेरे को मेंशन मत करना, टिकट बना के लिख देना दुलाल भाई हेल्प मी, मेरा कुछ चल नहीं रहा है, क्रैश व्रैश हो रहा है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मोड पैक डाउनलोड लिंक इन कमेंट सेक्शन।